उदयपुर की फतेह सागर लेक की खूबसूरती में बारिश ने चार चांद लगाए। भारी बारिश के चलते उदयपुर के सभी बड़े बांध और झीलें जलमग्न हो गईं। उदयपुर की शान कहे जाने वाले फतेह सागर लेक के गेट खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोकल और टूरिस्ट फतेह सागर झील पहुंच रहे हैं और लेक की खूबसूरती के मजे ले रहे हैं। हम लोग कलकत्ता से आए हैं, तो यहाँ आके फतेह सागर लेक देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो सिस्टम जा है यहाँ बहुत अच्छा लगा। पानी जैसे स्टोर होता था, पहले कभी इतना ये सिस्टम नहीं देखा। बहुत अच्छा लगा। काफी ब्यूटीफुल है, सीन्स बहुत अच्छे हैं, लेक बहुत अच्छी है, ये वाली लेक काफी क्लीन है और ये बहुत ही अच्छा व्यू है। बस ठीक है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, मेस्मराइजिंग है काफी। अगर बेस्ट एक्सपीरियंस अगर किसी को लेना है उदयपुर में और अगर कोई आके फतेह सागर नहीं आया है तो मतलब बेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। और सबसे ये बात है कि इसी साल में दूसरी बार चल का है, तो हमारे लिए खुद के लिए भी बहुत खुशी की बात है करके। और जो बारिश आ रही है उससे बहुत अच्छी बात है। और मैं मम्मी के साथ अभी घूमने आई हूँ यहाँ पे करके, क्योंकि हम इधर ही आए थे। और अगर दूसरी बार चल का है तो देखना ही है। और जितनी बार फतेह सागर आओ उसको नहीं देखो, हमारे लिए मतलब यूथ के लिए तो FS बेस्ट, मतलब कहीं पे भी जाना है FS तो राउंड काट के आना ही है।